नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात मुंबई में हुए विभत्स हत्याकांड की। श्रद्धा वॉल्कर से भी भयानक हत्याकांड इसे कहा जा रहा है। इसमें शव के टुकड़े करके कुकर में पकाने और मिक्सी में पीसने जैसी बातें कही जा रही हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां 32 साल की सरस्वती वैद को उसके लिव इन पार्टनर मनोज साहनी ने बार बार इस तरीके से मार डाला। ये दोनों 3 साल से साथ रह रहे थे। इमारत में रहने वाले पड़ोसियों को जब घर से बदबू आई, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, मनोज को हिरासत में ले लिया गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रंजना कुमारी मौजूद हैं, महिला अधिकारों के लिए काम करती रही हैं। रंजना जी, पहला सवाल यही है कि एक और श्रद्धा वॉल्कर जैसी हत्या भयावह है, क्या जब खबर सुनी है आपके क्या जहन में था? देखिए, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रुटैलिटी है। इससे ज़्यादा क्रिमिनलिटी हम लोग ना देखे हैं ना सुने हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना ये है, ये बिल्कुल दहला देने वाली घटना है। लेकिन ये आम बात जैसे होती जा रही है, क्योंकि श्रद्धा वाल्कर के केस में भी यही हुआ, बीच में एक ऐसी घटना और प्रांत से आई थी वहाँ भी यही हुआ, और अब ये घटना हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगी कि जो ये फेमिसाइड है, मतलब ये औरतें मारी जा रही क्योंकि औरतें हैं, इनके पास कोई ना तो ये शिकायत कर पाती हैं ना ही इनकी कोई मदद करता है। और जब अगर श्रद्धा वाल्कर केस में आपने देखा होगा, हालांकि इस केस में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोग के पास नहीं है, लेकिन शरीर के टुकड़े करना, उसको उबालना, उसको फ्रिज में रखना, जो पिछली वाली घटना में भी था इसमें भी है, ये पता नहीं कौन सी राक्षसी प्रवृत्ति भी मैं नहीं कहूंगी, किस तरह की प्रवृत्ति के लोगों के साथ इस तरह की फेमिसाइड हो रही है। देश के अंदर महिलाओं की हत्या महिला होने के नाते बढ़ती जा रही है। ये क्या दर्शा रहा है हमारे समाज में, क्या कैसा बदलाव आ गया है, क्या आंकलन आपका? देखिए निधि, दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जो इस तरह की घटनाएं हैं, इसको इसकी निंदा इस बात से हो या इस पर तत्काल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके तत्काल सजा हो, इस बात पर हो कि ये महिलाओं पर हो रहा अत्याचार है, ना कि किसी धर्म या जाति विशिष्ट के लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो पॉइंट था वो डिफ्लेक्ट करने का था, और अक्सर इसको लव जिहाद के नाम पर बाकी समाज के मर्दों को छोड़ा जा रहा था, जो कि घर के अंदर दिन रात इस तरह की हिंसा करते हैं महिलाओं पर। और अगर पिछले साल महिला आयोग में 6,900 केसेस घरेलू हिंसा के आए हैं, तो वो किसी एक खास ना जाति के हैं, ना धर्म के हैं, ना संप्रदाय के, लेकिन कुछ एक मानसिकता ऐसी बनती चली जा रही है कि दोष देना है तो एक खास तरह के लोगों को दो, ताकि मेन जो मुद्दा है उससे बात हट जाए। और दूसरी बात यह कि अभी तक श्रद्धा वाल्कर के केस में भी बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, और जब तक हम क्राइम को पनिश करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड नहीं दिखाई देंगे, समाज के तौर पर, सरकार के तौर पर, पुलिस के तौर पर, तब तक फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्यूनिटी बढ़ रही है। और तीसरी बात मैं कहूंगी कि जो एक्सट्रीम ये जो मानसिक पीड़ित लोग भी हैं, और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये कोई क्राइम ऐसा नहीं है, तो इसके पीछे जाके और बहुत गहराई से रिसर्च की जरूरत है, सोच की जरूरत है। क्योंकि हम सामाजिक तौर पर तो आपको कह सकते हैं कि इस तरह के औरत मर्द के रिश्तों में ऐसी बातें आ रही हैं और शादी में आ रही है, लेकिन इसकी गहराई में जाने की आज जरूरत है। जी, तो इससे तो रंजना जी एक तरह से एक बार फिर श्रद्धा के बाद लिव इन पर ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए निधि, ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि हम कहें कि लिव इन किसी भी तरह की रिलेशनशिप में बातें हो सकती हैं, और ये लिव इन रिलेशनशिप में हो रही है, इसके एक पीछे शायद एक मानसिकता ही हो कि इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई परिवार का दबाव नहीं है, इसमें कोई दो स्वतंत्र लोग आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, पर रह सकते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप है। एक तो एक ये नॉर्मल मेन वीमेन रिलेशनशिप का एक बिल्कुल नॉर्मल तरीका अब आज पूरी दुनिया में मान लिया गया, स्वीकार किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस लॉ में भी हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि अगर ऐसे में हिंसा होती है तो इसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो ये बात नहीं कि सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में हो रहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दोनों घटनाएं लिव इन रिलेशनशिप में ही हुई हैं, और इन महिलाओं पर किस तरह का दबाव होता है, शायद ये परिवार में जा नहीं पाती हैं वापस,
इसलिए भी स्वीकृति उन्हें परिवार की नहीं मिली होती ऐसे रिश्ते के लिए, और साथ ही में ना पुरुष के परिवार की तरफ से इनको कोई सहयोग मिलता है, तो कुल मिलकर के बिल्कुल एक अकेलापन, आइसोलेशन, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे लिव इन रिलेशनशिप में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या आने वाले समय में जी होंगी। एक जो नॉर्मल शादी होती है उसमें एक तरह से समाज की मोहर लग जाती है और उससे शायद वो सिक्योरिटी मानी जाए, लेकिन कैसे लगाम लगे ऐसे मामलों पर? अब श्रद्धा वॉल्कर मामले में भी अभी तक वो चल ही रहा है। देखिए, मानसिकता जब तक ऐसी बनाई जाती रहेगी समाज के अंदर कि महिलाओं के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वो रेसलर 3 महीने से सड़कों पर इस गर्मी धूप में इस आंच में बैठी हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो रही हिंसा हो रही उनको न्याय न मिल रहा हो, चाहे श्रद्धा वालकर के केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ, और दोषी कौन साबित किया जाता है? कटघरे में आप महिला को ही खड़ा करते हैं, उसकी ही गलती, उसको ही मंथरा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये जो मानसिकता, एक तरफ इस मानसिकता की हवा जैसी चल गई है जिसमें कि सारी औरतों को ही दोषित किया जाए और न्याय की कहीं कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में एक असहाय स्थिति भी है। और जब तक पूरे नेतृत्व के स्तर पर किसी समाज में सुधार आता है, जब ऊपर से नेतृत्व का स्तर उस चीज को पुश करता है, उस चीज के लिए जी कटिबद्ध दिखाई देता है, लेकिन अभी वो कटिबद्धता दिखती नहीं है, खासतौर से महिलाओं के प्रति। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात है कि जैसा बिल्कुल सही आपने कहा निधि, कि श्रद्धा वालकर का केस पूरा देश हिल गया और आज तक अभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो भाई ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस में टाइम लगता है, पर एक और तरीका भी तो है, फास्ट ट्रैक का एक और तरीका भी तो है कि आप तत्काल त्वरित न्याय दें। अगर नहीं देंगे तो फिर ये जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, और ये मत कहिए कि शादी सुरक्षा देता है या पारिवारिक शादी में 4.5 लाख से ऊपर केस साल भर में परिवार, पति और उसके परिवार वालों की हिंसा के और उनके द्वारा प्रताड़ित महिलाओं के रजिस्टर्ड केस हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस कहीं लोग हम कह रहे हैं, आप कह रही हैं, ये केसेस NCERB डेटा में रजिस्टर्ड होते हैं। तो आखिर ये महिलाएं भी तो शादीशुदा हैं, बाकायदा परिवारों ने स्वीकृति दे के शादीशुदा शादी की है। तो वो बात मैं नहीं कहूंगी कि जी पारिवारिक शादी हो तो उसमें सुरक्षा ज्यादा है, लिव इन में कम है। ये मर्दों का एक तरीका बन गया है और औरतों पर अत्याचार का जवाब नहीं दे रहा है समाज, न कानून और ना ही ये सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रजना जी इस तरह से हमें इस पूरे मामले को समझाने के लिए। लेकिन आखिर इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों अपनों का ही क्यों निशाना बन रही है महिलाएं? देखिए एक रिपोर्ट। मुंबई में एक 32 साल की महिला को मारकर उसके 20 टुकड़े कर दिए गए। ये जुर्म किसी अनजान शख्स ने नहीं बल्कि उसके साथ रह रहे इसके साथी ने किया। महिलाओं पर उनके करीबी लोगों की हिंसा की रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। श्रद्धा वालकर की उसके दोस्त द्वारा की गई निर्मम हत्या हो या निक्की यादव जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारकर उसके अवशेष सूटकेस में भर दिए। दिल्ली की एक मसरूफ बस्ती में 16 साल की लड़की के कथित प्रेमी ने उसकी चाकू मारकर हत्या की हो या मुंबई का ये ताजा वाकया, इन सभी मामलों में एक चीज समान है कि सभी उनके साथियों ने आपे से बाहर होकर या लड़ाई के बाद या फिर जलन के मारे अंजाम दिए। हालांकि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध नए नहीं है, प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं जिनमें अपराधी ऐसे पुरुष हैं जो इन महिलाओं को जानते थे, बल्कि वो महिलाएं उन पर भरोसा करती थीं। जब हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करते हैं तो हमेशा आंकड़े देखते हैं, लेकिन अगर उनका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि महिलाओं पर होने वाले 95% से ज्यादा अपराध करने वाले उनके परिचित होते हैं। मनोविज्ञानियों का मानना है कि सोशल मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका है। फोन और डेटा आसानी से मिल जाते हैं और पोर्नोग्राफी पर हालांकि पाबंदी है पर वो व्यापक रूप से उपलब्ध है। पुरुष पॉर्न देखते हैं और महिलाओं को वस्तु की तरह देखते हैं, त्वरित सुख ढूंढते हैं। पुरुष अपनी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में नहीं सोचते। वैसे तो पोर्नोग्राफी देखने पर भारत में पाबंदी है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भारत में कितना पोर्न देखा जाता है।
2017 में एक प्रमुख पोर्नोग्राफी साइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पोर्न की खपत में भारत का दुनिया में तीसरा नंबर है। कई अन्य रिपोर्ट ज्यादा पोर्न देखने और हिंसक व्यवहार के बीच सीधा संबंध बता चुकी हैं। ये कैसे पता किया जाए कि आप खतरे में हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि खतरे की घंटी पहचानना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब किसी महिला को लगता है कि वो सुरक्षित स्थान पर है। जब आपकी अपने किसी चाहने वाले से समस्या होती है, खासकर जब आप उनके बारे में जानते हैं, तो इंसानी फितरत है कि आप सोचें, चलो इसे सुधरने का एक और मौका दे दे। हिंसक लोग अक्सर फौरन ही माफी मांगकर सुधरने का वादा करते हैं। इसीलिए समाज से मैं ये कहूंगी कि कभी किसी महिला से ये ना पूछे कि उसने साथ छोड़ा क्यों नहीं। मनदीप कौर की मौत अमेरिका में आत्महत्या के जरिए हुई। बरसों तक वो अपने पति की हिंसा झेलती रही। समाज के दबाव के कारण कोई संकेत भी नहीं दिए कि हालात इतने खराब हैं। जैसे कि मनदीप को यही सोचती मर गई कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कुछ भी डिवोर्स वगैरह करती हूँ, लोग मेरे पे उंगलियाँ उठाएंगे, मेरी इज्जत खराब होगी। अपनी इज्जत बचाते बचाते और अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते उसने सुसाइड कर लिया। हर लड़की को जन्म से बताया जाता है कि अनजान मर्दों से सतर्क रहे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पति और प्रेमी से भी बचने की जरूरत है। और से और अगर लड़की परिवार के खिलाफ शादी करे या लिव इन में रहने का फैसला करे, तो वो बिल्कुल पराई बना दी जाती है। और एक दिन हम पाते हैं कि जिस पे उस लड़की ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वो ही सबसे ज्यादा क्रूर निकला। नई दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्य और संजय कौशिक के साथ नयनतारा सिंह, NDTV इंडिया। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में कथित तौर पर बच्चों को हिजाब पहनाए जाने से शुरू हुआ विवाद अब धर्मांतरण की कोशिश के रूप में बदल गया है। हालांकि कुछ बच्चों का कहना है कि उनके साथ हिजाब को लेकर जबरदस्ती नहीं हुई, ना ही उन्हें किसी और धार्मिक मान्यता के लिए उकसाया गया। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में लगा ये पोस्टर जिसमें टॉपर बच्चों को शुभकामनाएं दी गई थीं, जिसमें तीन हिंदू लड़कियों ने सिर पर स्कार्फ लगाया था, वो विवाद अब धर्मांतरण, अवैध संपत्ति, टेरर फंडिंग और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की दहलीज पर चला गया है। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। धारा 295A, 506B, 75, 82 जो लगता है जे एक्ट, ऐसी अनेक धाराओं में कार्रवाई की गई है। आगे भी इसमें बयान होंगे। सामान्य तौर पर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, टेरर फंडिंग या इससे जुड़े, तो राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी जांच करती हैं। गंगा जमुनी स्कूल जो है, इसमें अभी इस तरह की के लिए राष्ट्रीय एजेंसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर कोई संपर्क करेगा तो राज्य की पुलिस पूरा सहयोग करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छठी और आठवीं के कम से कम दो लड़कियों और एक लड़के के बयान के आधार पर FIR दर्ज की गई है। तीनों छात्र हिंदू हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल के अंदर एक बार हिजाब जैसा दुपट्टा अनिवार्य रूप से पहनने के लिए स्कूल प्रबंधन ने मजबूर किया। छात्र ने कहा कि उसे कलावा हटाने और तिलक मिटाने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही उन्हें सुबह की प्रार्थना में अल्लामा इकबाल की कविता लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना गाने के लिए मजबूर किया गया। वो लोग जानते अरबी और उर्दू से कहते थे, इसलिए सब बच्चे क्या करते थे, वो इंग्लिश और हिंदी बोलने लगे थे। क्या नमाज पढ़ाते थे वहाँ पे? वो वहाँ पे नमाज पढ़ाते थे के बिस्मिल्लाह इल्लल्लाहु रसूलुल्लाह। हिंदू बच्चा मरे या मुसलमान बच्चा, लेकिन वो लोग यही कहते थे ये जन्म मिल जाएगा, अल्लाह से दुआ करो। इस तरह की नमाज पढ़ाई आती थी। और स्कूल में अगर जैसे मान लो किसी पे नमाज नहीं बनती थी पढ़ते, तो
क्या करते थे? सर मारते थे। क्या, किस चीज से मारते थे? सर स्टिक से। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में कुछ बच्चों ने कहा था कि उनके साथ कभी जबरदस्ती नहीं की गई। वो स्कार्फ है वो लगा के जाती है, वो ड्रेस कोड भी है उनका, ड्रेस के साथ देते भी है वो, तो कभी जोर जबरदस्ती नहीं, वो इसलिए कभी जोर जबरदस्ती नहीं की है, और कभी लगा के नहीं जाती तो कभी ये नहीं कहते क्यों नहीं लगा के आती। स्कूल का कोड है एक सलवार सूट और स्कार्फ, हमें कभी जबरदस्ती नहीं की गई उसको लगाने के लिए। हैरत की बात यह है कि अल्लामा इकबाल की जिस कविता पर एतराज जताया गया है वो खुद मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उर्दू की 5वीं क्लास की किताब में इसे पढ़ाया जाता है। यही नहीं, स्कूल पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने 3 शिक्षिकाओं का धर्म परिवर्तन कराया। वो बाकायदा कलेक्टरेट आईं, बताया कि स्कूल में पढ़ाने से सालों पहले वो धर्म परिवर्तन कर चुकी थीं। मेरी शादी 2013 में हुई थी, मैंने 2013 में अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था, और मैंने स्कूल में ज्वाइनिंग 2021 में दी है, तो पूरा 8 साल का फ़र्क है। तो इसमें हाजी सर का कोई कहीं से कहीं लेना देना नहीं है, और पेपर में भी आ रहा है कि बाल विकास कल्याण समिति ने इंस्पेक्शन किया है, तो और मैंने बयान दिया है, इससे पहले मैंने कोई बयान नहीं दिया है, और यहाँ तक कि मेरा नाम पूरा अनीता यदुवंशी लिखती थी मैं पहले शादी से पहले, अनीता यादव लिखते हैं, तो आपने क्या इंस्पेक्शन किया? कोर्ट मैरिज मेरी 25/6/2000 को हुई थी, और जो इस्लाम के तरीके से जो निकाह होता है वो मेरा 2021 में हुआ था, सॉरी 2001 में हुआ था। उसके पूर्व आपका नाम क्या था? मैं उसके पूर्व मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है। मेरा जो निकाह 2001 में हो चुका था, और जो मेरी ज्वाइनिंग है वो 2010 में हुई, तो 10 साल का बीच में डिफरेंस है, तो ये चीज़ तो दूर दूर तक वैसे ही साबित हो रही है कि ये चीज़ है ही नहीं। अभी तबस्सुम बानो। इसके पूर्व आपका नाम? प्राची जैन। हर किसी की एक आत्मसम्मान होता है, और सबको चोट पहुंचती है, खासकर बच्चे हो जाते हैं उसके बाद। मेरा निकाह हुआ था 27/1/2004 में, उसके बाद मैंने 2012 में स्कूल ज्वाइन किया। तो आप लोग जो बार बार हाजी सर का, हाजी द्रई सर का नाम ले रहे हो, स्कूल का मामला आप लोग कह रहे हो कि स्कूल वालों ने धर्म परिवर्तित किया, आज के बाद इस टाइप का किसी भी टीचर्स के लिए कोई भी मामला ना बोला जाए। इन आरोपों के अलावा कहा जा रहा है कि स्कूल में तेंदुपत्ता का भंडारण होता था, क्योंकि संचालकों के पास गंगा जमुना बीड़ी कंपनी 352 है, राज्य स्तर पर तेंदुपत्ता के काम हैं, कपड़ा, हार्डवेयर, रेत खनन जैसे काम हैं, कई एकड़ जमीन है, दूसरे देशों में दाल का कारोबार है। हालांकि इसमें गैर कानूनी क्या है इसकी जाँच चल ही रही है। इस बीच जिस जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले स्कूल को क्लीन चिट दी थी उनके चेहरे पर 2 दिनों पहले स्याही पोती गई, स्याही पोतने वालों पर भी मामला दर्ज हो गया है। पहले कलेक्टर ने स्कूल की जांच की और उसे क्लीन चिट दे दी, फिर सरकार ने कहा गहन जांच होगी, और मामला हिजाब से सीधा आतंक की फंडिंग तक पहुंच गया है। सरकार ने स्कूल की मान्यता को भी निलंबित कर दिया है, उस स्कूल की जहां 1200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और इस फैसले की वजह से उनका भविष्य भी अधर में लटक गया है। दमोह से अपने सहयोगी आजम खान और कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बातें बात राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव से पहले नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में राजनीतिक खींचतान को कम करने के लिए राजस्थान के तीनों प्रभारी राज्य के दौरे कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस बीच एक बयान भी आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को और उनके बीच सुलह भी हो गई है, और वो उनको तब से जानते हैं जब वो 2.5 साल के थे। सचिन पायलट के 11 तारीख के कार्यक्रम को लेकर राजस्थान में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। कांग्रेस के अंदरूनी कलह को आलाकमान विधानसभा चुनाव से पहले सुलझाना चाहती है, और राजस्थान के तीनों प्रभारी राज्य का दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबे समय तक मीटिंग चली। देखिए, हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग बात, राहुल जी और खड़गे जी और वेणुगोपाल जी ने इनके साथ बात की है, और दोनों की जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना गया, और दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे, और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे।
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट के 11 जून के कार्यक्रम को लेकर है। इसी दिन सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है और पायलट राजनीति से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूँ तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है उनका। वहीं सचिन पायलट गुट के विधायकों का कहना है कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटाले युवाओं के मुद्दे को लेकर वो अड़े हुए हैं। जो मुख्य रूप से जो बात है कि जो हमारी जो डिमांड, जो युवा बेरोजगारों के लिए डिमांड है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी डिमांड थी, उसके ऊपर कुछ सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे संदेश जाए कि जो हम विजन लेके निकले थे राजस्थान की धरा के ऊपर, उसका कोई ना कोई निस्तारण निकल रहा है। बहरहाल अब कांग्रेस आलाकमान के लिए राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की रार चुनौती बनी हुई है। इस विधानसभा चुनाव से पहले सुलझाने के लिए मीटिंगों का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट 11 जून के कार्यक्रम में क्या निर्णय लेते हैं। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और बात अब विपक्ष एकजुटता की। पटना में अब 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। 2024 के लिए साझा विपक्ष का मोर्चा बनाने की तैयारी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता बैठक में आ रहे हैं और मेजबान के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो रहेंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हिसाब से खबर है कि 50 नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे और 30 सरकारी और 20 इसमें प्राइवेट होंगे, जिससे सीट्स भी 8,000 से ऊपर चली जाएंगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए ICD चलते अपने सहयोगी परिमल कुमार के पास। परिमल, फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, तो काफी अहम है ये, अगर ये हो जाता है तो जमीन पर निश्चित तौर पे और सीधे तौर पे ये कहा गया है कि सीट की संख्या में भी इजाफा हुआ है और ये बड़ी बात है कि UG की सीट्स इस तरीके से बढ़े, खासतौर पर वहां पर जहां पर हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी होती है और उसको लेकर दिक्कत होती है, तो यही बड़ी वजह है। और इससे पहले ये भी कहा गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि जो हॉस्पिटल्स हैं अगर वो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहें तो एक सर्टेन कैपेसिटी, सीट कैपेसिटी तक वो भी मेडिकल कॉलेज का संचालन कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं की जा रही है लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और यहां पर इससे जुड़ी एक और खबर है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने करीब 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता जो है उसको रद्द कर दिया था, उसमें 20 मेडिकल कॉलेज जो हैं उन्होंने अपील दायर की है। 6 की अपील जो सेकेंड अपील होती है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पहुंचती है, जब फर्स्ट अपील में उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाता है नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से। और इसमें 9 मेडिकल कॉलेजेस को NMC ने सीट घटाने को भी कहा है क्योंकि उनके पास उतने इक्विपमेंट नहीं है जितने में उतने बच्चों को पढ़ाया जा सके जितने बच्चों को वो अब तक वो डिग्री दिलवा रहे थे या पढ़ा रहे थे। तो तमाम चीजें एक वॉर स्केल पे कोशिश की जा रही है कि सीटें भी बढ़ाई जा सके और जहां कहीं पे कमी है कमी को दुरुस्त करने को लेकर सख्ती भी बरती जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद परिमल इस जानकारी के लिए। तो मेडिकल की जो उम्मीद रखते हैं छात्र, अब सीट बढ़ जाएंगी उनकी। बात अब मॉनसून की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब केरल पहुंच गया है, साथ ही गुरुवार को मॉनसून की बारिश तमिलनाडु, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों में हुई है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल पहुंचता है लेकिन इस बार 7 दिनों की देरी हुई है। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार गुरुवार को मॉनसून ने केरल तट पर दस्तक दे दी। उत्तरी केरल इलाके में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और बंगाल के खाड़ी के भी कुछ इलाकों में मॉनसून पहुंच गया है, जिसके प्रभाव से हम उम्मीद करें कि आने वाले 48 घंटों में ये केरला के पूरा केरला कवर कर सकता है, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और भी कवर हो सकते हैं, बियो बंगाल में पूरा कन्वेक्शन है जहां भी कुछ हिस्से कवर हो जाएंगे, उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आने वाले 48 घंटों में काफी हिस्सों में साउथ वेस्ट मानसून कवर कर पाए। मॉनसून का केरल पहुंचना किसानों के लिए अच्छी खबर है, वे अब खरीफ की बुआई की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
मॉनसून पर आरबीआई की नजर भी थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा, इस साल मॉनसून सामान्य रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन एल नीनो के असर को लेकर अनिश्चितता है। एल नीनो प्रभावित करता है मगर 60% केसेस में, और इस बार जो हमारा पूर्वानुमान है वो है कि रेनफॉल 96% प्लस माइनस 4% हो सकता है फॉर द कंट्री एज ए होल। अभी मतलब कुछ नहीं कह सकते कि कितना असर होगा। देखिए, जो असर होगा कि नहीं होगा वो प्रतिफलित होगा हमारा फोरकास्ट में। हम फोरकास्ट दिए हैं लास्ट वीक ऑफ मई में, फिर फोरकास्ट देंगे लास्ट वीक ऑफ जून में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब सबकी नजर देश के दूसरे हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार पर होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।